नमस्कार दोस्तों, एकता समाचार सागवाड़ा में आप सभी का स्वागत है। सागवाड़ा शहर की तमाम जानकारी प्राप्त करने के लिए एकता समाचार सागवाड़ा को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें एवं हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए घंटे के बटन को दबाएं। धन्यवाद। लोकसभा के चुनाव क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रत्याशी होने के नाते आपके बीच में आशीर्वाद लेने और आपका स्नेह प्रेम मुझे मिले और आपके इसी प्रेम और आशीर्वाद के कारण से नरेंद्र भाई मोदी के साथ में उनका हाथ मजबूत करेंगे, इसी आशा के लिए आपके यहाँ पर आया हुआ हूँ। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप सब ने भाई बिना स्वागत किया। सभी ग्रामीण जनों, युवा साथियों को और मेरे साथ में सुबह से लेकर के प्रचार में पधारे सभी पार्टी के कनिष्ठ और वरिष्ठ सभी नेतागण, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। गोटाद गांव के अंदर आप सब ने जो जो भी हमें काम बताए हैं, निश्चित रूप से हमने विश्वास से पूरा करने का पूरा मन बनाया और सेवा की है। अभी जो चुनाव है, अभी पिछले समय में जो चुनाव हुए विधानसभा के, उसमें झूठा बोल करके जनता को परगला करके गहलोत साहब ने राज बनाया है। उसमें कहा था शांति देवी सेवक से निवेदन है कि हमारे सारे राधा देवी सेवक से निवेदन है कि हमारे महिला का हाथ पैर करके स्वागत करें। आप आ जाइए आगे, महिला शक्ति आप ही आगे जाइए। एक एक करके सभी एक एक करके आप प्रधान जी, रेखा जी आप रेखा जी का स्वागत करेंगे। हाँ रेखा जी स्वागत आपको। एक संगीता जी वार्ड पंचायत उनका स्वागत। एक गंगा देवी सरपंच साहिब आए। एक सूर्या मैडम कहोगे, संगीता देवी की हो गया और रेखा जी और सूर्या जी प्रधान। बस आप भाइयों को, हिंदुस्तान के भाइयों को जो सेना के जो सीमा में रहते थे उनका जिस तरह से हर्ष किया है, अब इनको खात्मा करके रखो तो 12वां भी नहीं होने दिया इनका, और वह 350 आतंकवादियों को मोदी जी ने खात्मा करवा करके आज हिंदुस्तान में एक दबदबा पैदा कर दिया कि देश का प्रधानमंत्री। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस तरह से बात है मोदी जी के मन में है, आपने किसी ने गैस की टंकी लेकर रिपोर्ट नहीं दी, आपने आवाज के लिए कभी रिपोर्ट नहीं दी, आपने छितरी बस्तियों में पांच पांच को लगा करके भी एक घर में गरीब आदमी था देश की आजादी के बाद, अभी तक उसके घर में लाइट नहीं थी। ये मोदी जी ने तीन बातें की हैं, इसलिए गरीब आदमी भी कहता है मोदी जी ने पढ़ो था जो कि हमारे जिंदगी में हमारे घर नहीं बन तो ने लाइट भी नहीं लागती, पर मोदी जी ने पढ़ो था जो कि गैस की टंकी भी मना ली। इस तरह के मन के उद्धार कह रहे हैं, इसलिए ऐसा ही प्रधानमंत्री चाहिए। हम भी चाहते हैं ऐसा प्रधान, और आपका हमारा सौभाग्य इनके साथ ही में हम काम करें, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। इसलिए मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ, मंत्री बनेंगे तो मुख्यमंत्री भी नहीं बने, विधानसभा में नहीं जा सके और स्थिति खराब हुई और उनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज हो गया, ऐसा स्थिति होती है। इसलिए आपसे प्रार्थना करता हूँ कि ये देश हित में
एक यज्ञ दान के रूप में अपने को वोट डालना है और 50 वोट डलवाने हैं। इतना यज्ञ दान कर देंगे हिंदुस्तान में बहुत अच्छा राज हो जाएगा, राम राज्य आ जाएगा। और वो 23 मई को हम पटाखे ले छोड़ना और जिस आवास के यहाँ पर वहाँ पर अपने दीपक जलाना और जहाँ पहली बार लाइट लेके वहाँ डेकोरेशन करना, दो लड़ाई ले आना कोई बात नहीं, लेकिन लगाना और ढोल बजाना, नाचना, वारे मोदी जी मैंने वोट डाला तुम प्रधानमंत्री बन गए, कनक मल जी जीत गए तुम्हारे साथ में रहेंगे, ऐसा आपकी मन की खुशी होगी, ये गरीब के मन की आवाज़ निकलेगी, यही हमारे काम आएगा। आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, इस समय आपने मेरा स्वागत किया। शंका कभी नहीं करना मेरा काम होगा कि नहीं होगा, वो मेरा 10 साल पिछड़ गया, मैं जनता की सेवा करना चाहता था ना, उसमें थोड़ा कमी आ गई, मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन फिर से जनता ने कहा कि आदेश दिया है काम करो, हम तुम्हारे साथ में जितना बन पड़े रात और दिन एक करेंगे, लेकिन आपकी सेवा निश्चित रूप से करेंगे, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। आपने अभी बताया और पहला कार्य वो करेंगे जैसे पहला एनिकेट माना वैसा, तो मैं इस गांव की तरफ से विश्वास दिलाता हूं भारतीय जनता पार्टी का ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत इस गांव में मिलेगा, ऐसा विश्वास दिलाता हूं। मैं आदरणीय श्री पंड्या जी से निवेदन करूंगा कि आभार के लिए भाई साहब नो आभार व्यक्त करूं। इन्हें पहले आपने मारे एक बात जरूर बताना चाहूँ, आज हमारे बीच में पधारे हमारे इस सागवाड़ा क्षेत्र की राजनीतिक एक बार आप बिंदु के प्रतिबिंब, हमारे यहाँ के तो राजनीतिक क्षेत्र के सितारे जो राज्यसभा के पहले सांसद रह चुके, साथ ही राजस्थान के कैबिनेट मंत्री के रूप में भी उन्होंने अपना कार्य किया है। मैं आपका खड़गदा के नागरिकों की ओर से आदरणीय भाई साहब नकुल जी कटारा साहब का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहन रेखा जी हमारे नगर पालिका की अध्यक्ष महोदय, बहन पार्षद सूर्या जी, और बहन गंगा जी पार्षद और ये संगीता पार्षद है, दो बार रही आप भी पार्षद हैं, आप सभी का खड़गदा के इस मंच के ऊपर तहे दिल से हृदय से स्वागत करते हैं। भाई आप सबने मारो एक निवेदन एटलो कही दूं, एक प्रसंग हमारा विरियोण ने हाथे नो भाई साहब ने हाथे नो कनकमल जी कि हमारे आप जे हमारे वैसे हैं कितनी सरलता है ने कितनी आसानी थी कि हमें ये उपलब्ध थी सके, ये अमने उपलब्ध थी सके। हमारे डूंगरपुर जिला की वाकपीठ थी, आप कैबिनेट मिनिस्टर था थी गए और कैबिनेट मिनिस्टर ने भाई कम से कम 150 से 200 लोगों की लाइन लागी थकी थी मलवा हरवे ने, हम ने हमारे वह मित्रता में हाथी गया था ने भाई साहब ने मलवो एम कर एक पत्र मोक लिया तई वेरे भोजन कर रहा था घर ने अंदर, हम तो शिक्षा विभाग ना शिक्षक था गामो गाम शिक्षा विभाग ना व्यक्ति था, एने भोजन करते थके कमरा ने अंदर रसोई घर ने अंदर कि मने वहाँ टाइम मिलेगा नहीं, आटला सब लोगों ने मारे मलवु है भोजन रसोई करते थके मने ये खरी बेवाड़ी ने एना हाथे एने बात।